अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान का अहम पैगाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए सामने आया है जो इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनके जेल होने के बाद उनके साथ खड़े रहे हैं। 72 घंटों का वक्त है, लेकिन तुर्की से इस कदर खौफ क्यों है, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। साथ बुशरा बीबी से मुतल्लिक बड़ा मुतालबा पुलिस ने कर डाला है, खबर सच निकली है, इस पर भी अहम डिटेल्स हैं। खबर में आगे जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हर तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं और 72 घंटों में कहा जा रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। अब इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आर्मी चीफ ने जो नया मौशी प्लान दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद कुर्सी पर बैठना दोस्तों जरूरी है। और आप हैरान होंगे कि कामरान खान जैसे सहाफी भी अब खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं और आर्मी चीफ को इस वक्त खबर आपको ये भी दोस्तों देते हैं कि इमरान खान के वकील तो इस वक्त पुरउम्मीद हो चुके हैं कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, लेकिन बस थोड़ी सी टाल मटोल की जा रही है, थोड़ी सी देर की जा रही है। तो क्या पैगाम दिया है आप ये सुने, और 72 घंटों बाद इन सब के साथ क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखें आप। बड़ा वाजिया तौर पर पैगाम दिया है डिजिटल मीडिया के लिए। ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, उसके साथ साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है मुल्क के अंदर, खान साहब के साथ जो किया जा रहा है, लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने वाजह तौर पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने उनको मेरी तरफ से देना है कि मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं, कि वो इस मुश्किल हालात में उनके ऊपर प्रेशर भी है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, उसके बावजूद वो हर रोज़ कोर्ट की हर पेशी के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि हम जाकर उन्हें बताते हैं कि ये इस तरह से हमारी खबर जो है वो यूं यूं चल रही है। तो उन्होंने कहा कि कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर मीडिया के ऊपर हम तो बैन है, नाम बैन है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बैन हैं, उसके बावजूद ये एक वाहिद सोर्स रह गए हैं, ये एक वाहिद जरिया रह गए हैं जो हमारी आवाज़ जो है इस वक्त बनकर, कौम की आवाज़ बनकर, और ये कौम के ऊपर इनका एहसान है कि जिस तरह से जो है वो एक एक बात जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इनको सलूट पेश कर। अब इमरान खान ने सबको दोस्तों दाद दी है, जैसे वो डटे रहे हैं धमकियों के बावजूद भी, जब से इमरान खान जेल में हैं इनको भी इमरान खान ने सलाम पेश किया है, लेकिन आगे भी आपने ऐसे ही डटे रहना है। इमरान खान का ये मशवरा है उनको, और इमरान खान उनका हौसला बुलंद किया है, क्योंकि इमरान खान को मालूम है कि आगे अब मार्शल लॉ की तरफ बातें जाना शुरू हो चुकी हैं, और मार्शल लॉ में इससे भी ज्यादा सख्ती होगी। कल ही हमने खबर दी थी आपको सऊदी टीचर की, कि इसको सिर्फ एक ट्वीट करने पर मुल्क में बेरोजगारी पर सऊदी अरब में मौत की सजा दे दी गई है। तो इसी तरह अब पाकिस्तान में भी यही कानून नाफिज करने की तैयारी हो रही है, और मार्शल लॉ लगते ही सबको कंट्रोल किया जाना है। अब यहाँ आप ये ना समझें कि मार्शल लॉ लगाना भी बहुत आसान है, ऐसे भी नहीं है दोस्तों। यहाँ इस पर बहुत स्टडी भी होती है कि जो तुर्की में 2016 में हुआ, अब ये एक एग्जांपल सेट हुई है सिर्फ तुर्की के लिए नहीं, तमाम ममालिक के लिए, जहाँ पर इस खबर को हाइप मिली और जहाँ पर अक्सर मार्शल लॉ लगते रहते हैं। अब पाकिस्तान में भी लोग ऐसी बातें करते नज़र आते हैं दोस्तों, कि हम तुर्की वाला सीन कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखें जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है तब तब जो अवाम है वो इदारे के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन इस दफ़ा अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और 72 घंटों की खबर बेशक यहाँ पर दे दी गई है या इसको फैला दिया गया है, क्या मकसद है इसका, लेकिन एक बात तय है, सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त यही है कि इदारा इस वक्त जो है वो तुर्की वाले मामले से घबराया हुआ है, कहीं ये ना हो कि ये अटैम्प्ट मिस हो जाए और हमें फिर बदनामी का सामना करना पड़े, हमें पीछे हटना पड़े। क्योंकि देखें दोस्तों, वैसे ही फौज इस वक्त बहुत से महाजों पर लड़ रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर एक और महाज अवाम के खिलाफ जाकर खोल दिया जाता है तो अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो कि इदारे के लिए तो बुरा होना ही है, इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ऐसा करने से पहले यहाँ पर 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। दूसरी जानिब दोस्तों, आपको खबर दी थी कि बुशरा बीबी को ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मिल रही हैं,
खासकर अरब दुनिया में लॉबिंग कर रही हैं। तोशाखाना जालसाजी केस में पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए जमानत खारिज की जाए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के वकला ने तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। तोशाखाना जालसाज केस में पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांगी है। अब देखना यह है कि क्या अदालत उनको इजाज़त देती है या नहीं। तो बुशरा बीबी को भी अब छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर अटक जेल जाती हैं, और ऐसा ना हो कि उनको वहीं से ही गिरफ्तार कर लिया जाए और नज़रबंद किया जाए। लेकिन उनके वकील जो हैं वो डट गए हैं कि अब अदलिया खड़ी हो रही है और छोटी अदालतों पर भी प्रेशर आएगा, इसलिए अब इनको इमरान खान की ज़मानत देनी ही होगी। ये जो मर्ज़ी कर लें, कानून के मुताबिक इमरान खान हमें बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं।